वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब उस्ताद। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये ट्रिक है, जी हाँ दोस्तों, जीमेल अकाउंट जनरेट करने की। आप एक सेकंड के अंदर आप 4000 से भी ज़्यादा जीमेल अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक कर आप 4000 जीमेल अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। उन जीमेल अकाउंट को यूज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपना जीमेल अकाउंट नॉर्मल यूज़ करते हैं, इसी तरह उनको जनरेट भी कर सकते हैं। उस पर यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, उस पर फेसबुक भी बना सकते हैं, उस पर इंस्टाग्राम भी बना सकते हैं, उस पर आप टिकटॉक भी बना सकते हैं, उस पर आप कोई गेमिंग का चैनल, इस तरह आपको अगर कोई स्पैम जीमेल यूज़ करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अननोन वेबसाइट्स जो होती हैं, अननोन अप्लीकेशन जो होती हैं जिन पर आप लोगों ने अकाउंट बनाता होता है, जिन पर जो अकाउंट के बगैर ओपन नहीं होती, आपको उन पर इनिशियली अकाउंट बनाता होता है, उसमें आप अपनी ओरिजिनल जीमेल नहीं देना चाहते, आप किसी फेक जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। आप इससे 1000 YouTube के अकाउंट बनाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 4000 जीमेल आपको एक सेकंड में मिल जाएंगे। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ तो 5 सेकंड भी लग सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट ज़्यादा स्लो हुआ तो 10 सेकंड भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, कि इस तरह की ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। YouTube के हवाले से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स लेकर आने वाला हूँ मैं इस चैनल पर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। उसके अलावा इन जीमेल का पासवर्ड क्या होगा, इन जीमेल को लॉगिन कैसे करना है, ये सब कुछ इसी ट्रिक में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और ट्रिक को पूरा समझिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो सर्च करना है वो है google.com। गूगल का होम पेज ओपन करके आपने यहाँ पे लिखना है जीमेल अकाउंट जनरेटर। जी दोस्तों, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जीमेल अकाउंट जनरेटर। ये देखें, जैसे ही मैंने जीमेल अकाउंट जनरेटर लिखा तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट आ गई है, जो सबसे ऊपर वेबसाइट है। ये देखें, सबसे ऊपर जो मेरे पास वेबसाइट आई है ये वाली, इसके ऊपर इसका ये वेबसाइट है generator.email, जीमेल जनरेटर। इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जीमेल जनरेटर। ये देखें, जीमेल ईमेल जनरेटर नीचे लिखा हुआ है, जीमेल जनरेटर जनरेट मेनी न्यू मेल बॉक्सेस फ्रॉम यूर जीमेल। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए, जो आपका ओरिजिनल जीमेल अकाउंट है वो आपको लाजमी चाहिए इसके लिए। जी, जैसे ही आपके पास एक ओरिजिनल जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जेन्युइन जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जो आपने पहले बना लेना है। एक जीमेल अकाउंट आपने बनाना है, उसी की मदद से आप यहाँ पर जो 1000 जीमेल अकाउंट्स हैं या उससे भी ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल जीमेल है आपने वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर 2 किस्म के जीमेल अकाउंट है, एक gmail.trick, दूसरे में आएगा प्लस जीमेल प्लस ट्रिक। ये 2 ट्रिक्स आपने इनमें से एक ट्रिक को यूज़ करना है जीमेल बनाने में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो gmail.trick है ये मेरे पास आ रही है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, डॉट वाली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस बता दूं, इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे ये gmail.trick जो है, इसमें जो भी आप जीमेल बनाएंगे उसमें डॉट आएगा, जिस तरह से youtubeustad@gmail.com, ये मेरी ओरिजिनल जीमेल है। ठीक है, अगर मैं इस gmail.trick से बनाऊँगा तो ये इसका जीमेल को दे देगा youtube.ustad@gmail.com, मतलब जो भी मेरी जीमेल होगा उसमें ये डॉट लाजमी दे देगा। अगर आप इसी तरह प्लस वाले जीमेल प्लस ट्रिक यूज़ करेंगे तो इससे आपकी जीमेल के अंदर वो प्लस का ऑप्शन लाजमी देगा, प्लस लाजमी देगा। तो प्लस देकर वो 1000 जितनी भी जीमेल्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी देगा, 1000 से ज़्यादा ही देगा ये। तो सबसे पहले चले जाते हैं ऊपर, यहाँ पे generator@gmail.com, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको काट कर, इसको generator@gmail.com को काट कर यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल जीमेल लिख देना है। जिस तरह से मैं लिख देता हूँ youtube ustad@gmail.com। ये देखें, ये मैंने लिख दिया है। अब gmail.trick मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब मैं इसको जनरेट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने जनरेट के बटन पर क्लिक किया, ये देखें आपके सामने विद इन फ्यू सेकंड्स, ये देखें जी, 1 सेकंड भी नहीं लगा, 10 सेकंड मैंने बताए थे आप लोगों को, 10 सेकंड भी नहीं लगे। नंबर ऑफ पॉसिबल ईमेल लाइसेंस
4096 मतलब 4096 जीमेल्स इसने मुझे जनरेट करके दे दी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इसने मुझे कितनी जीमेल एड्रेसेस जनरेट करके दे दी हैं, 4096 मतलब अब ये जो नीचे मेरे पास जो 0 से लेकर 1024 तक ये जीमेल मेरे पास आ गई हैं। ये देखें आपने इसने दे दी है मुझे बहुत सारी, सबसे ऊपर जो मेरी ओरिजिनल जीमेल थी ये उसने दे दी है youtubeustad@gmail.com, दूसरी उसने दे दी है youtubeustad.d@gmail.com, मतलब इसने डॉट को आगे पीछे करके ये जीमेल्स जनरेट कर दिए हैं। ये देखें जिस तरह से जो थर्ड वाली है youtubeusta.a.d, इस तरह से इसने जीमेल अकाउंट जनरेट कर दिए। ये देखें आप मेरे पास इस टाइम 1024 जीमेल अकाउंट इसने फर्स्ट पेज पर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो फर्स्ट पेज है इस पर इसने सिर्फ और सिर्फ 1000 जीमेल दिए हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे ये देखें, जब मैं जैसे ही मैंने 2 पर क्लिक किया, जब मैंने 2 पर क्लिक किया तो ये आप लोग देख सकते हैं 10024 से लेकर 2048 तक ये जीमेल अकाउंट्स मेरे पास आ गई हैं, मतलब 2096 तकरीबन 4100 जीमेल इसने एक क्लिक में, सिर्फ मैंने एक क्लिक किया था 5 सेकंड में इसने जनरेट करके दे दिए हैं। तो ये देखें आप इस तरह से इन जीमेल का आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं आप। 4000 जीमेल अकाउंट बनाकर और 4000 यूट्यूब चैनल्स भी बना सकते हैं आप, उन चैनल से आप अपने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको मशवरा नहीं दूंगा कभी भी कि आप अपने ख़ुद से ईमेल बनाकर, ख़ुद से जीमेल अकाउंट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन हाँ, ये आप किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब 1000 जीमेल से आप अपने ही यूट्यूब चैनल को 1000 मतलब 4000 जीमेल जिसने इसने दे दिए, 4000 सब्सक्राइबर्स आप अपने चैनल पर देते हैं तो वो आप अपने रिस्क पर दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस ट्रिक से भी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा फेथफुल तरीका नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अब मैं फोर्थ पेज पर जाके दिखाता हूँ आपको कितनी जीमेल जिसने जनरेट की हैं। तो इन जीमेल्स का पासवर्ड क्या होगा ये मैं आप लोगों को एंड पर बताऊंगा। ये देखें 3072 से लेकर 4096 तक ये जीमेल्स मेरी बन चुकी हैं। इसी तरह अब आप बात आती है कि इन जीमेल के पासवर्ड की। जी तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह मैंने एक सेकंड के अंदर 4000 से भी ज़्यादा जीमेल अकाउंट जनरेट किए हैं। अब बात आती है कि इन जीमेल का पासवर्ड क्या होगा। जी तो दोस्तों, इनका पासवर्ड मैं आप लोगों को बताता चलूं, वो जिस जो आपका ओरिजिनल जीमेल है, जो आपने ऊपर लिखा था अपना ओरिजिनल जीमेल, उसका जो पासवर्ड है वही इन सब का भी पासवर्ड होगा। इन सब में आप अलग अलग से वही पासवर्ड सेम लगा कर आप इनको लॉग इन भी कर सकते हैं, आप इनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि अपने YouTube चैनल्स को इससे सब्सक्राइब अपने रिस्क पे कीजिएगा। मैं आप लोगों को यह मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपने YouTube चैनल को इससे सब्सक्राइब करें। हाँ अगर आप करते हैं, आपके पास कोई, अगर आप करना ही चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप एक नया YouTube चैनल बनाएं 0 सब्सक्राइबर्स वाला, जिस पर आपने कुछ भी नहीं किया, उसको आप करके चेक कर लें कि यूट्यूब उस पर स्ट्राइक देता है या नहीं देता। अगर आप ही गया, क्योंकि वो आपका न्यू चैनल होगा तो आपको उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। इस ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब का बनता है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।